ये बिछड़न रणवी को खून के आंसू रुलाएगी। ये बिछड़न चाईजी के चेहरे की हंसी छीन ले जाएगी। रतन को वीरा की खूब याद दिलाएगी। निहाल से उसकी लाडली दूर ले जाएगी। जी हाँ, वीरा को उसके वीर जी से छीना जा रहा है। पंचायत के एक फैसले ने रणवी, रतन, निहाल और मोटी चाईजी की जिंदगी में तूफान ला दिया है। पंचायत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि पंचायत ने वीरा को उसके नाना नानी को सौंपने का फैसला सुना दिया है। मैंने ये फैसला लिया है कि वीरा को उसके नाना नानी को सौंप दिया जाए। जहाँ बात कानून और कोर्ट और कचहरी की आ जाती, तो ऑब्वियसली हमारा हक बनता ही नहीं है उस पे। ये बहुत बड़ा झटका होगा कि अगर मेरी चींचड़ी, मेरी मिर्ची नहीं होगी तो मेरे लिए और छोटे चंद के लिए बहुत बड़ी बात है। खुशी तो बहुत हो रही है, खुशी होनी भी चाहिए। दरअसल वीरा के नाना नानी ने प्रीतमपुरा की पंचायत में गुहार लगाई कि वीरा को उन्हें सौंप दिया जाए, क्योंकि वीरा उनका खून है। मगर चाय जी और रतन ने वीरा को सौंपने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि वीरा में ही रणवी की जान बसती है। मगर फिर भी पंचायत ने वीरा और रणवी को अलग अलग करने का फैसला ले लिया। जिस वीरा को रणवी ने इतने प्यार से पाला, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा, हर मुसीबत से बचाया, आज उसी वीरा को उसके भाई से अलग किए जाने के फैसले पर मोहर लगा दी है पंचायत ने। वीरा से बिछड़ने का ख्याल आते ही रणवी का क्या हाल होगा, यही सोच सोच कर अब रतन और चाय जी परेशान हैं। रणवी को पता चलेगा तो उसके लिए जैसे पहाड़ टूटना है। उसको संभालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिजास्टर होगा उसके लिए। तो वैसे सरपंच बलवंत सिंह ने जब ये फैसला सुनाया तो सबसे ज्यादा गुस्सा रतन को आया। इतना गुस्सा कि उसने सरपंच बलवंत को एक जोरदार चांटा मारने का भी मन बना लिया। एक्चुअली मेरा मन कर रहा था, क्योंकि पहले मेरी शादी की बात लेकर आ गए और अभी मतलब वीरा को ऐसे ही दे, तो मेरा सचमुच मन कर रहा था कि मैं जाके थप्पड़ लगा दूं। वैसे रतन, इससे बेहतर तो ये होता कि आप खुद ही सरपंच बन जाती। अपने सरपंच जी के जाने के बाद तो शायद आज पंचायत ऐसा फैसला नहीं सुनाती। मैं तो कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं सरपंच की कुर्सी पर बैठ जाऊँ। वो तो लगी रहा है आपको देखकर रतन, जिस तरह आप सरपंच की नज़र हटते ही उनकी कुर्सी पर जा बैठी, उससे ये साफ है कि अब आप सरपंचनी बनना चाहती हैं। खैर ये सब तो ठीक है, मगर ये सोचिए कि वीरा को अपने रणवी के पास ही कैसे रखा जाए और नाना नानी को खाली हाथ कैसे वापस भेज दिया जाए, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं नाना नानी ने वीरा के स्वागत के लिए काफी तैयारियां कर ली हैं और उसके लिए कई तोहफे भी खरीदने का प्लान बना लिया है उन्होंने। वीरा के लिए बल्कि एक नहीं कई हजार तोहफे, बल सारी दुनिया लाके उसके सामने रख देंगे। वैसे हमने तो यहाँ तक सुना है कि नाना नानी वीरा को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वीरा उन्हें इतना तंग कर देगी कि वो खुद ही भाग खड़े होंगे, जिसकी एक झलक अभी आपको दिखाई देगी। देखिए किस तरह नाना जी सीधे चश्मे के बजाय उल्टे चश्मे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही वीरा नाना नानी को इतना तंग करेगी कि ये दोनों उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। मुझे लगता है नाना नानी की उसी को बैंड बजानी चाहिए। वीरा के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और वो तो नाना नानी, उनको पता भी नहीं उनकी नातिन कैसी है, किस हिसाब से मस्तीखोर है। लेकिन ये चमत्कार कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि वीरा और रणवी की ये भाई बहन की जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रहे। पारस कोठारी, ABP News, मुंबई।